राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में शनिवार को विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। अपनी स्पीच में भागवत ने बांग्लादेश कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इसराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, वक्त की मांग यह है कि उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए। भागवत ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह समाज की सबसे शर्मनाक घटना है। भागवत ने 2024 में संघ के स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष में पहुंचने पर भी चर्चा की। संघ विजयदशमी पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। धर्म भारत का स्वत्व, धर्म सिर्फ धर्म नहीं भारत का स्वत्व है, धर्म भारत का प्राण है, वही हमारी प्रेरणा है। हम कौन हैं? हम खुद को हिंदू कहते हैं क्योंकि यह धर्म सार्वभौमिक है, सनातन है। यह ब्रह्मांड के साथ अस्तित्व में आया, ना हमने इसे खोजा ना ही किसी को दिया, केवल इसकी पहचान की है, इसलिए हमें हिंदू धर्म कहते हैं, जो मानवता और विश्व का धर्म है। आरएसएस 99 साल का हो गया है। 1925 में विजयदशमी के दिन 5 स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। आज संघ के लाखों स्वयंसेवक हैं। संघ के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस समेत 39 देशों में उसकी शाखा लगती है। आज आरएसएस के स्थापना दिवस पर जानिए संघ बनने और उसके विस्तार की कहानी।